नमस्कार दोस्तों, आज का विषय वृत्त अर्थात सर्कल्स है। तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि वृत्त क्या होता है। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ही वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहलाती है और केंद्र और बिंदु पथ की दूरी वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। इस चित्र से आपको वृत्त तथा वृत्त का केंद्र काफी स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। हम वृत्त के बारे में क्यों पढ़ते हैं? अगर आप अपने आसपास देखें तो काफी वस्तुएं वृत्ताकार होती हैं, जैसे गाड़ी का पहिया, घड़ी, चाबी का गुच्छा, बटन, चूड़ी तथा सिक्के। इसलिए वृत्त के गुणों के बारे में जानना हमारे लिए काफी आवश्यक है। अब कुछ परिभाषाएं। जीवा अर्थात कॉर्ड। चित्र में रेखाखंड PQ वृत्त का जीवा कहलाता है। व्यास अर्थात डायमीटर, वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो व्यास कहलाता है। चाप अर्थात आर्क, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त को चाप कहते हैं। यदि हम किसी वृत्त पर एक जीवा PQ बनाए तो वृत्त का वो भाग जो अधिक क्षेत्र में रहेगा वह दीर्घ वृत्ताखंड कहलाता है और वो भाग जिसके पास लघु या कम क्षेत्र होगा वह लघु वृत्ताखंड कहलाता है। त्रिज्याखंड, जब हम एक वृत्त में दो त्रिज्या बनाते हैं तो हमें दीर्घ और लघु त्रिज्याखंड मिलता है। अब हम इस पाठ का पहला प्रमेय अर्थात थ्योरम पढ़ेंगे। वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। हम इसका प्रमाण भी करेंगे। मान लेते हैं कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके दो जीवा हैं AB तथा CD, OA, OB, OC और OD इसके त्रिज्या हैं। तो त्रिभुज AOB तथा COD में OA बराबर OD, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। उसी प्रकार OB बराबर OC, AB बराबर CD ये हमें दिया गया है। तो इससे हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि AOB तथा COD अनुकूल यानी congruent त्रिभुज हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोण यानी एंगल AOB बराबर कोण COD। प्रमेय दो, यदि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवा बराबर होती हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो यह पहले प्रमेय का विलोम है। यदि आप दोनों कोणों को बराबर ले लें तो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज अनुकूल यानी congruent होंगे। अतः आप दोनों जीवा को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। ये कार्य आप स्वयं करेंगे। प्रमेय तीन, किसी भी तीन सरीखी बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त बनाई जा सकती है। यहां पे सरीखी का मतलब यह है कि तीनों बिंदुएं किसी एक रेखा पे नहीं होनी चाहिए। हम
इस प्रेमय को अगले वीडियो यानी चलचित्र में प्रस्तुत करेंगे। प्रेमय 4, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यदि हम ये माने कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, एबी एक जीवा है और एम जीवा एबी को समद्विभाजित कर रही है, तो त्रिभुज OAM तथा OBM में OA बराबर OB, क्योंकि एक वृत्त का त्रिज्या बराबर होते हैं। OM बराबर OM जो कि स्पष्ट है। AM बराबर BM चूंकि M AB को समद्विभाजित करता है, तो इससे यह सिद्ध होती है कि त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM अनुकूल यानी कॉन्ग्रुएंट है। हमें यहां से यह पता चलेगा कि कोण OMA और OMB बराबर हैं, यानी कि कोण OMA बराबर कोण OMB बराबर 90 डिग्री। चलिए अब समय एक प्रश्न का है। हमें इस प्रश्न में यह सिद्ध करना है कि एक वृत्त की बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती है। इस प्रश्न में PQ तथा SR बराबर दिए गए हैं और हमें यह सिद्ध करना है कि OL बराबर OM होगा, PL बराबर LQ बराबर PQ बटे 2, SM बराबर MR बराबर SR बटे 2। इन दोनों को हम अपने पिछले प्रमेय से सिद्ध कर सकते हैं, चूंकि OL तथा OM PQ और SR के लंब हैं, तो इससे हमें यह मालूम चलेगा कि PL बराबर LQ बराबर MR बराबर SM। त्रिभुज OLQ तथा OMS में OQ बराबर OS, कोण OLQ बराबर कोण OMS बराबर 90 डिग्री, LQ बराबर MS जो हमने ऊपर में सिद्ध किया है, तो इससे यह मालूम चलेगा कि त्रिभुज OLQ और OMS अनुकूल यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि OL बराबर OM। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा? वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। यदि एक वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवा बराबर होती हैं। किसी भी तीन सरीखी बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त बनाई जा सकती है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। एक वृत्त की बराबर जीवा केंद्र से समान दूरी पर होती हैं।